नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इतिहास के आज लेक्चर में लिखा हुआ है मौर्य उत्तर काल। मौर्य उत्तर काल मतलब कि मौर्य जो काल था उसके बाद का इतिहास हम लोग पढ़ेंगे। यह काल लगभग 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक चला। चूंकि यह काल मौर्य युग के बाद आता है इसलिए मौर्य उत्तर काल कहते हैं। और इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि मौर्य वंश के जो अशोक के जो उत्तराधिकारी थे मौर्य वंश के, वो धीरे धीरे कमजोर होते गए। माना जाता है कि जो अशोक की नीतियां थी, जैसे कि अहिंसा नीति, इसने वहां की उसके आगे के उत्तराधिकारियों को कमजोर बनाया। बौद्ध धर्म अशोक ने अपना लिया, उसके बाद से जब वो बौद्ध धर्म अपनाया उसके बाद से वो अहिंसा की नीति पर चलने लगा, जिससे यहां सैनिक प्रवृत्ति जो थी वो सैनिक प्रवृत्ति कम हो गई। युद्ध की नीति लग छोड़ दिया था उन्होंने। और इसी को देखते हुए मौर्य वंश का एक अंतिम शासक होता है बृहद्रथ। बृहद्रथ इसको इसी का सेनापति पुष्पमित्र मार देता है और मारकर एक नए वंश की स्थापना करता है और उस वंश का नाम होता है सुंग वंश। सुंग वंश की स्थापना करता है। उस समय मौर्योत्तर जो काल है वो राजनीतिक विश्रृंखला का एक ऐसा युग था। जब मौर्य काल में तो एक बड़ा साम्राज्य बना था, लेकिन इस काल में छोटे छोटे राज्य बनते हैं। जैसे कि उत्तर भारत में मौर्यों के बाद से सुंग वंश के बाद से कर्ण वंश और साउथ में दक्षिण भारत में सातवाहन वंश और चेदी वंश, इनकी स्थापना होती है। चेदी वंश इनकी स्थापना होती है। और चूंकि भारत का इस टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ था इस वक्त, तो कुछ विदेशी आक्रमण भी होते हैं, जैसे कि शक, पल्लव, कुषाण, ये सब विदेशी होते हैं और भारत पर उत्तर पश्चिमी सीमा की तरफ से आक्रमण करते हैं और मध्य भारत में के बड़े भूभाग पर कब्जा भी कर लेते हैं। यवन, इन्हीं को बोला जाता है पार्थियन। यवन, शक, पार्थियन और कुषाण, ये तीन चार होते हैं। इसी वंश में, कुषाण वंश में ही एक राजा होंगे कनिष्क, जो बौद्ध धर्मावलंबी होते हैं और इन्हीं के समय में चतुर्थ बौद्ध संगीति होती है और उसी बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बढ़ जाता है, महायान और हीनयान। अब देखिए मौर्यों के बाद से आज हम सुंग वंश के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक लेक्चर में तो नहीं हो पाएगा, कई लेक्चर में होगा और मौर्योत्तर काल तो लंबा चलेगा। तो आज हम लोग सुंग वंश के बारे में बात करते हैं। सुंग वंश की स्थापना, जैसा कि मैंने बताया,
पुष्प मित्र ने किया था। पुष्प मित्र क्या करता है, सेना का निरीक्षण कराने के लिए जो मौर्य शासक होता है बृहदत्त उसको ले जाता है और धोखे से मार देता है और मारकर शुंग वंश की स्थापना करता है। शुंग वंश में लगभग 10 शासक हुए जो 112 वर्ष तक शासन करते हैं और इनका शुंग वंश का जो अंतिम शासक था वो था देवभूति। इसे भी एक व्यक्ति मारता है और मारकर नए साम्राज्य नए वंश की स्थापना करता है, वो है कर्ण वंश। ये इसके बाद पढ़ेंगे, शुंग वंश के बाद ये वंश आएगा। अब देखिए शुंग वंश के बारे में जानने के लिए कौन कौन से स्रोत हैं, अभिलेख हैं, इस बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। शुंग वंश लगभग 112 वर्ष तक शासन करते हैं शुंग वंश के राजा। स्रोत, जानकारी के स्रोत क्या क्या हैं? साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत में पहला आ जाता है पुराण। पुराणों में मत्स्य पुराण, वायु पुराण, ब्रह्मांड पुराण। इसमें पुष्प मित्र को पुष्य मित्र को शुंग वंश का संस्थापक बताया गया है पुराणों में। दूसरा पतंजलि ने एक बुक लिखी, उस बुक का नाम है महाभाष्य। इसे लिखा किसने है? पतंजलि ने। ये इंपॉर्टेंट है कि महाभाष्य किसने लिखा? पतंजलि ने। ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। देखिए पतंजलि जो था वो पुष्य मित्र का पुरोहित था। पुरोहित मतलब कि राजकाज के जो भी धार्मिक काम होते थे उसका हेड होता था। और इसने जो महाभाष्य में लिखा है वो यवन आक्रमण, यवन जो कि विदेशी हैं अभी, उनको पुष्य मित्र हराता भी है, यवन आक्रमण के बारे में और पुष्य मित्र द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञ के बारे में बताता है। बाणभट्ट द्वारा रचित या बाणभट्ट कृत हर्षचरित, बाणभट्ट ने हर्षचरित लिखा और हर्षचरित में ये कहता है कि पुष्य मित्र जो था वो अनार्य था, आर्य नहीं था, अनार्य था। और बृहदत्त को जो मौर्य शासक होता है उसको क्या बोलता है? दुर्बल शासक बताता है। कौन? बाणभट्ट, जिसने हर्षचरित लिखा है। बाणभट्ट ने क्या लिखा है? हर्षचरित, ये भी इंपॉर्टेंट है। पतंजलि ने क्या लिखा है? महाभाष्य, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कात्यायन ने गार्गी संहिता लिखा, इसमें थोड़ा मुझे कंफ्यूजन है। उसने ये बताया, गार्गी संहिता में ये बताया गया है कि पुष्य मित्र के समय या शुंग वंश के समय यवनों का आक्रमण हुआ। अब देखिए दिव्यावतान, दिव्यावदान ये एक बौद्ध धर्म की पुस्तक है। ये पुष्य मित्र को ही मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बताता है, पुष्य मित्र को।
और इसे बौद्ध धर्म का संहारक बताता है कि पुष्यमित्र बौद्ध धर्म का संहारक था, उसने स्तूपों को नष्ट किया। लेकिन ऐसा नहीं है, इस बारे में पूर्णतः सही साक्ष्य नहीं मिलते कि उसने बौद्ध धर्म को खत्म करने या उसका संहार करने की कोशिश की, क्योंकि उसी के समय में पुष्यमित्र के समय में ही सांची के स्तूप का उस पर कुछ काम किए गए। उनकी रेलिंग जो थी वेदिका, वो पहले लकड़ी की थी, बाद में उसे पत्थर का बनाया गया, और भरहुत स्तूप भी उसी के समय जीर्णोद्धार किया गया। तो इसलिए हम ऐसा नहीं कह सकते। हाँ, कुछ जगहों पर उसने बौद्ध धर्म या बौद्ध भिक्षुओं को मारने का आदेश दिया। हो सकता है कि यही बौद्ध भिक्षु विदेशी जो आक्रांता थे, जैसे कि यवन, सब कुशाल, इनसे जाकर मिल गए हों, इसलिए उसने ऐसा करना पड़ा हो। अब देखिए, कालिदास द्वारा कृत मालविकाग्निमित्रम। मालविकाग्निमित्रम यह एक नाटक है, और जिसको लिखा किसने? कालिदास ने। कालिदास को क्या बोलते हैं? शेक्सपियर ऑफ इंडिया, भारत का शेक्सपियर। तो ये एक नाटक है, और इस नाटक में जो पुष्यमित्र हैं, उनके पुत्र अग्निमित्र को विदिशा, जो विदर्भ का एरिया है महाराष्ट्र में, उसका राज्यपाल बताया है कि वो वहां के राज्यपाल थे। अब देखिए दूसरा श्लोक, अयोध्या लेख। अयोध्या लेख में पुष्यमित्र द्वारा दो अश्वमेध यज्ञ कराया गया, इस बात की पुष्टि मिलती है। और इस लेख को लिखवाया था, पुष्यमित्र का ही राज्यपाल रहता है धनदेव, और क्या मिलता है जानकारी? पुष्यमित्र ने दो बार अश्वमेध यज्ञ कराया। बेस नगर लेख, यह इंपॉर्टेंट है। यह लेख सुंग वंश के जो नौवे शासक रहते हैं, भागभद्र रहते हैं नौवे शासक, उन्हीं का एक दूत रहता है। और यह दूत आया कहां से रहता है? यूनान से, हेलियोडोरस। हेलियोडोरस एक यूनानी दूत रहता है। इसका लेख है, या एक तरह से वैष्णव जो संप्रदाय है उससे संबंधित है। और तीसरा भरहुत लेख, भरहुत में भरहुत का स्तूप भी फेमस है, और यह लेख वहीं पर मिला है। इसमें भरहुत का लेख जो है
जो भरहुत स्तूप है वहां मिला है, और भरहुत स्तूप पे जो भी शुंग काल के समय या पुष्यमित्र के समय जो काम हुआ उस बारे में उल्लेख देता है। अब शुंगों की उत्पत्ति संबंधी मत, इनकी उत्पत्ति के बारे में विभिन्न लेखकों ने क्या क्या कहा है उस बारे में देख लेते हैं, उसके बाद से उनकी जो राजनीतिक इतिहास है पॉलिटिकल हिस्ट्री वो देखेंगे, आज केवल इनकी उत्पत्ति देख लेते हैं। हरप्रसाद शास्त्री, वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हरप्रसाद शास्त्री हरप्रसाद शास्त्री कहते हैं इनके नाम में मित्र आया है, पुष्य मित्र अग्निमित्र, तो मित्र से ही वो मित्र शब्द कहते हैं कि मित्र शब्द से लिया गया है, और मित्र का मतलब होता है सूर्य, सूर्य से संबंधित होने का इन्हें पारसिक बोलते हैं, वो कहा है कि ये पारसिक थे। ठीक है, बाणभट्ट ने अभी बात जैसा कि मैंने बताया पुष्य मित्र को क्या बोला, अनार्य बोला है, और अनार्य बोलने का ये तात मतलब ये है क्योंकि उसने उसके स्वामी बृहद्रथ को मार देता है। अब पाणिनि देखिए, पाणिनि ने क्या लिखा है, अष्टाध्यायी जो कि संस्कृत व्याकरण की बुक है, वो इन्हें भारद्वाज गोत्र, भारद्वाज गोत्र का ब्राह्मण बोला है। इसी तरह से मालिका निमित्रम और गार्गी संहिता में इनको ब्राह्मण बोला गया है, इसी तरह से मालिका निमित्रम और हरिवंश पुराण में, हरिवंश पुराण में भी इन्हें ब्राह्मण बताया जाता है कि ये ब्राह्मण थे। और यह मत जो ब्राह्मण होने का जो मत है ये लगभग सर्वाधिक मान्य है, सर्वाधिक प्रचलित भी है। तो आज शुंग वंश के बारे में इतना ही, कल देखेंगे पुष्यमित्र शुंग के बारे में और उनके उत्तराधिकारियों के बारे में, कल या तो फिर हाँ ठीक है कल देख लेते हैं, अगर मौका मिलेगा तो जरूर देखा जाएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा वीडियो लोग देख सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते।